ये क्या कहती हैं, बच्ची ने क्वेश्चन किया, बड़ा मारूफ सा क्वेश्चन है, और औरतें बड़ी ही एहसास से महरूमी में मुबतला होकर अक्सर पूछती रहती हैं कि जन्नत में मर्दों को हूर मिलेंगी, औरत को क्या मिलेगा। देखें, अगर कोई कंवारी बच्ची होगी उसको जन्नती किसी भी मर्द से उसका निकाह किया जाएगा, जैसे कोई कंवारा मर्द फौत हो गया तो उस कंवारे शख्स से उसका निकाह कर दिया जाएगा, या फ़र्ज़ कर लें कि कंवारे सारे ख़त्म हो गए, फ़र्ज़ कर लें, और औरतें बहुत ज़्यादा थीं, तो फिर किसी और जन्नती मर्द जो पहले शादीशुदा है उसके साथ उसका निकाह किया जाएगा, लेकिन जन्नती आपको मर्द यानी औरतों को हासिल होंगे, और वो इंसान होंगे जैसे गिलमान हैं, जन्नती लड़के वहीं पैदा किए गए हैं, हूरें पैदा की गई हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अलग इंसान पैदा किया जाए और उससे औरतों का निकाह, बल्कि ये दुनियावी इंसानों से होगा। एक बहन ने कहा, जी मेरा शोहर जो है चरसी है, मवाली है, मारता है, पीटता है, गालियाँ बकता है, मुफ्ती साहब अगर हम जन्नत में चले गए तो क्या ये शोहर मेरे साथ होगा। मैंने कहा ये होगा। कहीं हाँ यही होगा। मैंने कहा होगा, लेकिन बड़ा अच्छे अंदाज में आकर, और अच्छे मतलब इसकी ज़रा डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी होगी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये जब आपको ये नज़र आएगा जन्नत में तो बहुत ही खूबसूरत और हर किस्म के आलाइशों से पाक व साफ होगा। इसलिए अगर मेरी कोई बहन इस तरह की बात सुन रही है और वो कहे कि ये ही शख्स मुझे मिलेगा, वो पहली परेशान हो उससे, तो जन्नत में जब आप चले जाएंगे तो ये परेशानियां नहीं होंगी। अगर फ़र्ज़ करें कैसा भी हो, वो इंतहाई खूबसूरत होगा और बिल्कुल आपसे मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, क्योंकि जन्नत में कोई ख़राब चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों की बिना पर तलाक़ ना लें, यहाँ ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप अगर एक से तलाक लेती हैं, दूसरा शौहर 100% आपको फरिश्ता बन के मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? 5 गलतियाँ इसमें हैं तो 10 गलतियाँ उसमें आपको मिलेंगी। इसी तरह बाज़ लोग बीवियों को छोटी छोटी बात पे छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं तो दूसरी करूंगा, तो दूसरी आपको जन्नत की हूर आएगी वहां से, जो बिल्कुल कोई गुनाह नहीं करेगी, कोई खता नहीं करेगी। बाज़ औक़ात ये इतनी अच्छी मिल होती हैं, बीवियाँ कदर नहीं करते, फिर आती है दूसरी जो वो जूते लगाती है, ये तो बेचारी नाश्ता लेकर आती थी और वो बिस्तर पर कहती है जब अपना नाश्ता बनाओ तो मेरा भी बना लेना, और ये चादर ओढ़ के लेट गई, वो हैरान रह जाता है। फिर उनको अपनी औकात याद आती है कि पहली बीवी की कदर कर लेता तो कितना अच्छा होता। मेरी गुजारिश ये है, दुनिया के 40-50 साल गुजर ही जाएंगे, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बने, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे सब साफ सुथरे होंगे, कोई जाहरी गंदगी भी नहीं होगी और बातनी आलाइश भी नहीं होगी, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इसलिए मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन करना मुनासिब भी नहीं होता। मर्दों को हूर मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? भाई आपको इंशाल्लाह वो मिलेगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया है। बस खुलासे कलाम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें रखी हुई हैं कि ना किसी आँख ने उनको देखा, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, ना किसी के दिल में उनका ख्याल गुजरा, ऐसी नेमतें वो आपको भी मिलेंगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहकर पुरसकून रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।